का है, ये मंदिर का रहस्य ये है कि यहाँ दरभंगा महाराज कामेश्वर महाराज जो थे, दरभंगा महाराज, उनका चिता पे बना हुआ वो मंदिर। यहाँ भी दोस्तों एक मंदिर है, यहाँ पे श्री रुद्र पता नहीं कौन सा काली देवी के जी का मंदिर है। दोस्तों आज जो हम जा रहे हैं दरभंगा से, हमारे मंदिर है एक, वहाँ पे जो है ना आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ आपको दिखाएंगे, जो भी होगा वहाँ पे, मतलब जैसे मंदिर है और भी मतलब तालाब जैसा है, जितने भी मंदिर है सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो अभी हम अपने घर जो बसाइट है वहाँ से अभी निकलने वाले हैं, हम लोग सब रेडी हो गए हैं, सब दोस्त यार है सब रेडी हो गए हैं, चलते हैं। हाँ फिर चलते हैं तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे सब कुछ जाके। चलिए दोस्तों आ गए हुए हैं दरभंगा में, और यहाँ पे जो है हम लोग एंट्री मार दिए हुए हैं, मतलब यहाँ से आगे दिखाते हैं कि क्या है, मतलब आगे कैसा, मतलब कि हम लोग एंट्री मारते हैं और आगे जो भी है सब कुछ दिखाएंगे आपको। आप देखते रहिए और ब्लॉग में बने रहिए। देखिए ये सीन है, यहाँ जो है मतलब यहाँ से गेट से एंट्री लिए हैं, और एंट्री लेने के बाद जो है यहाँ से मंदिर जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं सारा कुछ। देख सकते हैं यहाँ से जो है मतलब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है ये हम लोग ललित नारायण मिथिला सिटी से जो है अंदर एंट्री मार रहे हैं, और यहाँ से देखिए जा रहे हैं दोस्तों। फाइनली मंदिर के गेट पे पहुंच गए हुए हैं, मतलब पूरा गेट जो है पहुंच गया। अब यहाँ से जो है ना अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मंदिर का, और बाहर में जो मतलब लगा हुआ है दुकान से वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, जैसे हमारी मिष्ठान भंडार करके कोई मतलब दुकान भी है, और बहुत सारा दुकान है यहाँ पे, और देख रहे हैं यहाँ पे भैया लोग मतलब पूरा खड़े हैं, जो भी आप प्रसाद वरसाद लेंगे उसके लिए। इधर भी दुकान सब है, और आगे देख सकते हैं अभी कितना जो है सब सारा कुछ भीड़ यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे हमेशा जो है भीड़ लगा ही रहता है। और यहाँ जो है ना यहाँ एक गार्ड भी लगा हुआ है, गार्ड भी है, और बाइक जो है ना देखिए हम लोग चलते हैं, फिर आगे बाइक भी लगाएंगे। यहाँ पे पार्किंग भी है, पार्किंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप जो मंदिर का जो है मतलब आप ये सब खरीद सकते हैं, जैसे भगवान वगैरह हो सकता है, इसका माला वगैरह जो भी होता है, सिंदूर सब जो होता है ना, आप सब कुछ जो है यहाँ से खरीद सकते हैं। और आगे बताते हैं सेकेंड नंबर पर यहाँ पर भोजन, यहाँ पर श्याम थाली भोजन 25 रुपये, यहाँ पे आप भर पेट में जो है भर पेट 25 रुपये में आप खा सकते हैं, 25 रुपये में जो है यहाँ पे आप भर पेट खा सकते हैं, यहाँ पे जो है सब कुछ मिलता है एकदम। और यहाँ पे जो है निःशुल्क जो है आपको जो हाँ चप्पल जूता का जो है स्टैंड है, मतलब यहाँ पे आप चप्पल जूता रख सकते हैं यहाँ पे, और नंबर सिस्टम है, मतलब कितना नंबर पर लग रहा है, यहाँ पर आदमी भी है। हाँ और सामने में चप्पल जूता आप रख सकते हैं, देख सकते हैं जूता चप्पल का, देख रहे हैं पूरा जो नंबर सिस्टम है पूरा, मतलब जूता जो आप नंबर से रख सकते हैं जो कि आपको खोएगा नहीं, और पूजा करने से पहले तो जूता चप्पल तो खोना ही पड़ता है ना। बहुत पुराना है, नहा भी सकते हैं, और यहाँ पे ये भी होता है बोटिंग भी होता है ना यहाँ पे। अच्छा देखिए यहाँ पे बोटिंग भी होता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ बोटिंग वगैरह भी होता है। आप ऊपर में देख रहे हैं क्या है, देख रहे हैं ऊपर में मंदिर का जो है, और बाकी चीज़ जो है चल के दिखाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सब आदमी सब मौजूद है, चलिए गेट क्लोज हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब अभी जो है अभी टाइमिंग नहीं है, अभी टाइमिंग खत्म है टोटल, और यही सीन है, यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया दिया जा रहा है, मतलब वीडियो आप नहीं बना सकते हैं ऐसा कुछ है, बाकी आप देख रहे हैं फिर भी जिद करके मतलब सोचे कि बना लेते हैं, छुपा के बना रहे वीडियो, बाकी आप देख लीजिए यहाँ का ये नज़ारा है। एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ है, और एक मंदिर यहाँ है, और यहाँ पे जो भोग भगवान का मिलता है सो है हमारे यहाँ पे देख लीजिए। बाकी आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे रुकने का व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे शादी विवाह जो होता है ना सब वहाँ पे आके मतलब जो पूजा वगैरह जो भी कुछ होता है सब कुछ यही होता है। हाँ जो देखा देखिए, हाँ जो देखा देखिए होता है, और सब कुछ शादी विवाह यहाँ से कितना शादी सम्पन्न हुआ है। बाकी जो है इधर इसका और भी बहुत सारा गेट है, एक यहाँ से गेट है, और टीवी कैमरा वगैरह का मतलब जो है किया गया हुआ है सब जगह, यहाँ पे देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा सब सब लगा हुआ है मंदिर में। और यहाँ पे मतलब जो प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं जो इस मतलब मंदिर के तहत बनाया गया है। तो यहाँ भी है इसका जो है मंदिर, मतलब जो पानी है इसके चारों ओर जो है मतलब पूरा मंदिर ही मंदिर है, एक दो मेन मंदिर है और छोटा छोटा मंदिर भी है इधर, पता नहीं कौन सा मंदिर जाके देखे नहीं है, बाकी अगले वाला वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलो दोस्त बोटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, Thank you.
जो है दिखाते हैं आप, मतलब इतना ही था मंदिर में, और बाकी जो है यही कि दर्शन करके आपको नहीं दिखा है, कभी आएंगे तो फिर दर्शन करके भी आपको सारा वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ भी दोस्तों एक मंदिर है, यहाँ पे श्री रुद्र पता नहीं कौन सा काली देवी जी का मंदिर है, और आपको तो दिखाई उस साइड से भी सारा व्यू दिखाए थे आपको, उधर से हम लोग चल के आए हैं, और इधर जो है ये सारा जो है मतलब नदी बोलते हैं कि पोखरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त इसको? अच्छा नदी चलता हुआ बोलते हैं इसको, पोखर बोला जाता है, और ये पोखर हाँ तालाब, तालाब तो ये हो गया ना, मतलब क्या कहते हैं जिसमें मिट्टी होता है, ये पोखर हो गया, ये बीच एक पोखर है दोस्तों जो नहाने वाला होता है, और यहाँ से जो है मतलब ये चारों बगल का जो व्यू है मतलब यही है, बाकी यही मंदिर है, और ये बहुत प्रचलित है मतलब बहुत ही ज़्यादा, और ख़ासकर किसी मंदिर मतलब जैसे कि आपको किसी पंडित या किसी आदमी से इसलिए ने पूछेगा कि मतलब बनाया वीडियो, क्योंकि वो लोग वीडियो बनाने देते ही नहीं, मतलब वीडियो बनाने का कोई ये नहीं था, मतलब अलाउ था ही नहीं, बट हम लोग जैसे करके वीडियो बनाते पहले हैं। यहाँ पर जो खिचड़ी हाँ। मिलता था, लेकिन अब जो है पैसा हमें मिलने लगा है, तो इसलिए उसे प्राइस क्या है खिचड़ी का? प्राइस तो बताया, प्राइस के बारे में पैसा रहता तो प्राइस के बारे में पूछने का, नहीं वहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। चलो मेरे चलो चलते हैं दिखाते हैं देख रहे हो दोस्तों यहाँ ब्लॉगिंग जो भी है पता है। ठीक है दोस्तों मिलते हैं। तो यहाँ मेरा दोस्त है, मतलब इस मंदिर के बारे में कुछ बता रहा है, तो सुनिए आप बहुत गौर से बताओ बताओ दोस्तों मतलब क्या कहना चाहते हो? हम बताना चाह रहे हैं कि ये कैंपस में जो मंदिर है वो मेन मंदिर हो गया, ठीक है? ये मंदिर ठीक है तो बताओ सर, मजाक आदमी का मजाक है। ये मंदिर का रहस्य, सामने जो मंदिर दिख रहा है ये मंदिर का रहस्य ये है कि यहाँ दरभंगा महाराज कामेश्वर महाराज जो थे, दरभंगा महाराज उनका चिता पे बना हुआ वो मंदिर है, उनके चिता पे वो बना हुआ मंदिर है। चिता मतलब जो जलाया गया उसको, अच्छा ठीक है, दफनाया गया है, अच्छा उसी पे बना हुआ ये मंदिर है, अच्छा कामना मंदिर, ठीक है। जो भी श्रद्धा से जो मांगते हैं माता श्यामा से वो सारा के सारा चीज पूरा हो जाएंगे आप। अच्छा, और ये कैंपस जैसे कि देख रहे हैं ये सारा आता है मनोकामना मंदिर के अंदर में ही आता है, यहाँ पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, तो बोटिंग का प्राइस तो वहाँ से पता चलेगा। तो आज जब तक के लिए